अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। अवघ्या जगाला शांती आणि अहिंसेचा संदेश देणारे भगवान महावीर यांची जयंती जामनेर शहरातील श्री जैन ओसवाल संघाच्या विद्यमाने मोठ्या श्रद्धेने साजरी करण्यात आली। भगवान महावीर यांच्या मूर्तीची भव्य शोभायात्रा यावेळी जामनेर शहरामधून वाजत वाजत काढण्यात आली होती। या प्रसंगी शहरातील जैन समाजाच्या प्रस्तावित असलेल्या नवीन महावीर भवनाच्या भूमिपूजनाचा समारंभ जैन मुनींच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये करण्यात आला। यानंतर जयंतीचा समारोप जैन ओसवाल भगीरथीबाई मंगल कार्यालय या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला होता। येथे रक्तदान शिबिराचे सुद्धा आयोजन करण्यात आले होते। या ठिकाणी खासदार रक्षा खडसे आणि नगराध्यक्षा साधना महाजन यांनी भेट देऊन सर्वांना महावीर जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या। महावीर जयंती सोहळ्याला शहरातील सकल जैन समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। Thank you.
सहयोग है इस भागीरथी जय वाचनालय परिवार का जय समाज के प्रति सका जय समाज को उनकी सेवा है हर वक्त उपलब्ध रहती है उनके प्रति मैं श्री संघ की ओर से बहुत बहुत भाव व्यक्त करता हूँ। ऐसे प्रकाश जी सहपाल की ओर से भी ट्रेन की सारी सुविधा है महावीर जयंती खास करके वह निःशुल्क हमें उपलब्ध कराते हैं इसलिए उनका भी मैं उल्लेख कर रहा हूँ। आपने हमको इतने दिन से बुलाया और इतना कोलाहल हुई सभा में ये रिक्त स्थान भी भराया जा सकता है। अनुरोध है कृपया सभी नन्हे नन्हे श्रावक श्राविकाएं और बड़े श्रावक श्राविकाएं अब भगवान महावीर जयंती के समारोह में मौन धारण करें। श्रद्धा से हृदय के तात्के जना जी नहीं सकते हम प्रार्थना के बिना सांस लेना कभी क्या कोई भूलता पंच परमेश को भाव से वंदना माँ सरस्वती को भाव से वंदना भगवान ऋषभ भगवान महावीर और आचार्यों को अनंत वंदनाएं। यहाँ इस सभा में उपस्थित श्रद्धेय क्षुल्लक श्री विसोम्य सागर जी महाराज को नमन। मंच पर उपस्थित संघ के कार्याध्यक्ष महोदय महामंत्री जी दूसरे पदाधिकारी जी एवं सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं बहनों एवं बच्चों आदरणीय अनुभव ने मुझे कहा कि दो महीने या डेढ़ महीने पहले बोल दिया था कि दिलीप जी जामनेर मेरा गांव है जामनेर के लोग बड़े अच्छे हैं इस बार भगवान महावीर का जो 2618वां जन्म कल्याण महोत्सव होगा उनमें आप जामनेर वासियों की से बातचीत करें और सरल भाषा में बोलना सरल सरल बातें बताना आप शास्त्र की गहरी गहरी बातें मत करना। मुझे बड़ी खुशी हुई अभी का दृश्य देखकर चार चार पाठशालाएं यहाँ चलती है और पूरे जैन समाज ने मिलकर यह आयोजन किया है। मैं कभी कभी कहा करता हूँ हमारे दो बड़े पर्व है पर्युषण या दशरक्षण या समसय और दूसरा भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव दोनों का अपना अपना महत्व है। समस्या जी का आध्यात्मिक महत्व ज्यादा है लेकिन सामाजिक दृष्टि से जैन एकता की दृष्टि से भगवान महावीर जयंती का महत्व ज्यादा है। पर्युषण तो हम सब अपने अपने स्थान पर मनाते हैं लेकिन महावीर जयंती हम सब मिलकर एक स्थान पर मनाते हैं इसलिए महावीर जयंती की महत्ता इस दृष्टि से ज्यादा है। हम भगवान महावीर ने हमें अनेकांत का सिद्धांत दिया। जैन धर्म की सभी संप्रदायों में 99% बातें समान है छोटे मोटे बाहर के जो आचरण है उनमें थोड़ा फर्क है। अहिंसा का सिद्धांत एक है हमारा नमोकार महामंत्र एक है इसी तरह हमारा एक अभिवादन का सूत्र है जय जिनेंद्र यह जय जिनेंद्र पूरे जिन शासन में है बच्चे भी बोलते हैं बड़े भी बोलते हैं और जय जिनेंद्र ये पांच अक्षरों का शब्द है इसमें इतनी प्रेरणाएं छिपी हुई है इतनी छिपी हुई है। एक छोटा सा गीत तो बहुत लंबा है उसकी कुछ कड़ियों के माध्यम से हम हमारी बात की शुरुआत करते हैं कि जय जिनेंद्र गीत
कितना महत्वपूर्ण है उसमें एक पद आएगा कि जय हिंद हम बोले तब आप भी कोशिश करें इसके साथ में बोले और अगर आपको लगे तो आपकी चारों पाठशालाओं में इस गीत को बजाइएगा। यह गीत इतने महत्व का है जितना जैन समाज में मेरी भावना का महत्व है। आप सुने शांत रहे विनय धर्म को धारण करके गांव की खोले जय जिनेन्द्र हम बोले जय जिनेन्द्र हम बोले हाथ जोड़कर मन मोड़कर प्रेम से बोले खोले जय जिनेन्द्र हम बोले जय जिनेन्द्र हम बोले पंथ जो इंद्रिय विजेता दुष्कर काम किया कब लाए प्रभुवर जिनेन्द्र ने हमने नाम दिया उनके पावन नाम स्मरण से पाप पंख सब धोले जय जिनेन्द्र हम बोले जय जिनेन्द्र हम बोले अर्थपूर्ण है भावपूर्ण है अभिवादन यह न्यारा जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है उनकी जय का नारा उनकी जय में अपनी जय है सबकी जय है बोले जय जिनेन्द्र हम बोले जय जिनेन्द्र हम बोले छोटो से वो स्नेह भरा हम उम्र से मैत्री भरा हो सभी बड़ों से आदर पूर्वक ऐसा नमन धरा हो देने वाला पाता है सत्कार जगत में बोले पर उससे पहले हम एक बार फिर तोले जय जिनेन्द्र हम बोले जय जिनेन्द्र हम बोले यह वैसा है वह वैसा है सबको कहते रह दे यहाँ वहाँ इससे इससे बिंबा तो उलझते रहते पर दर्शन से ध्यान हटा कर अपना हृदय टटोले जय जिनेन्द्र हम बोले जय जिनेन्द्र हम बोले मतभेदों के कारण से मन भेद न होने पाए भेद के भीतर जो अभेद है वह समझे समझाए सद्भावों के जिन शासन यह डोले जय जिनेन्द्र हम बोले जय जिनेन्द्र हम बोले साधर्मी वात्सल्य बढ़ाए पंथवाद हम छोड़े वैर विरोध दीवारों को अनेकांत से तोड़े जोड़े सबको जुड़े सभी से चिर स्नेहामृत बोले जय जिनेन्द्र हम बोले जय जिनेन्द्र हम बोले जय विजय का भाव हृदय में अभिवर्धित है होता बढ़ता है विश्वास परस्पर मन खुशियों से भरता उनके घर के झोले जय जिनेन्द्र हम बोले।
हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारे देश का नाम हमारे प्रथम तीर्थंकर के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से है, भारत। ऋषभ पुत्र भरत का भारत, भारत का यह गौरव, इतिहासों से परे पर हरे ऋषि मुनियों के अनुभव, उनके काल जय संदेशों को क्यों कर हम टाले, जय जिनेन्द्र हम बोले, जय जिनेन्द्र हम बोले। परंपरा की श्रेष्ठताओं का करे सहज अनुपालन, भाषा समिति वचन मुक्ति से हो जीवन संचालन, कर्कश मर्म के वचनों से नहीं भटकाए शोले, जय जिनेन्द्र हम बोले, जय जिनेन्द्र हम बोले। जन जन मिलकर बोले, जय जिनेन्द्र हम बोले, जय जिनेन्द्र हम बोले। विनय धर्म को धारण करके गांठ हम की खोले, जय जिनेन्द्र हम बोले, जय जिनेन्द्र हम बोले। हाथ जोड़कर मान मोड़कर प्रेम से भोले भोले, जय जिनेन्द्र हम बोले, जय जिनेन्द्र हम बोले। इस लंबे गीत को लगभग दो चौथाई गीत गाया मैंने। इस गीत की पांच प्रेरणाएं हैं जिनको हम भगवान महावीर से जोड़ते हैं। 40 करोड़ से 4 करोड़ पर आए और फिर हम 40 लाख पर सिमट गए। 16 अन्य में हमके लोकतंत्र का उत्सव शायद रुपया रुपया शांतता बनाए रखे प्रभु भोक्ता। अभी परिश्रम करके चेन्नई में आप विराजते हैं, चेन्नई से उदयपुर उदयपुर आप भी पधारे हैं, आप भी पधारे हैं, बहुत स्थान है और जैन समाज के आंगन में है और जैन समाज के दिल में स्थान की कभी कमी नहीं रही है। हमें शुभेच्छा देने हेतु रक्षा जी घर से भी यहाँ पर पधारे हैं, वो भी हमें शुभेच्छा देंगे कि रुपया शांति बनाए रखें और अपने शांतता का मतलब रक्षा नहीं यहाँ पर बना रहे हैं, भगवंत को दर्शन कर रहे हैं। हमारे नगर अध्यक्ष साझा रहे भी यहाँ पर बना रहे हैं, उनका भी स्वागत है। यहाँ इलेक्शन की धामधूम देखते हुए हम लोगों ने उनको आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि हर वर्ष महावीर जयंती में हमारे गरीब लोगों की साधना रही, हमारे इसमें सारे शामिल होते हैं, लेकिन अभी जो आचार संहिता और इलेक्शन का माहौल है, इसलिए हमें विशेष करके उनको इस साल आमंत्रित नहीं करता हूँ, उनकी मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आचार संहिता का आदर करते हुए हमने आपको इस मंच पर आमंत्रित नहीं किया था। मैं रक्षाई से कहता हूँ कि हमें शुभेच्छा। त्याचप्रमाणे इथं उपस्थित असलेले सर्व बंधू आणि भगिनी, त्यांनी तिथे सांगितलं गेलं की आचारसंहितेची काही मर्यादा आहेत, आम्हालाही आहे, पण आज महावीर जयंतीचा उत्सव पूर्ण देशभरामध्ये सगळीकडे आपल्या जिल्ह्यामध्ये पण साजरा केला जातोय। मी आता सकाळीच मलकापूरला जाऊन आले आणि आज आता इथे मला उपस्थिती लावायची मला संधी मिळाली आणि मी माझं भाग्य समजते की निवडणुकीच्या काळामध्ये आज मला गुरुजींचं दर्शन घ्यायला मिळालं, त्यांचा आशीर्वाद मला मिळाला। आज ह्या कार्यक्रमानिमित्त मी आपल्याला फक्त महावीर जयंतीच्या खूप खूप मनापासून शुभेच्छा देते।
पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.